मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास चौधरी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट विधिक गणित यूनिट चल रहा था अपना ग्राफ। ग्राफ एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में पिछला वीडियो बना चुका हूं। ये यूनिट नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। उसके आगे के सभी तरह के क्वेश्चन में लेकर उसको कवर अप कर देता हूँ। पहला नियमित ग्राफ और पूर्ण ग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद इसमें जो भी एकादी प्रमेय वगैरह है उसके बारे में, जैसे इसके अंदर सबसे पहला चीज ये दिया हुआ है कि पूर्ण ग्राफ को समझाइए। तो पूर्ण ग्राफ का मतलब मैंने पूरा बता दिया था कि किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक कोण विद्यमान हो, किन्हीं दो शीर्षों के मध्य केवल एक कोण विद्यमान हो, तो यह वर्ड क्या कहलाता है? पूर्ण ग्राफ को दर्शाता है। एक कोण विद्यमान हो तो यह क्या कहलाता है? पूर्ण ग्राफ कहलाता है। अब इस पर एक प्रमेय है जो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि एन शीर्षों वाले ग्राफ में कोणों की संख्या ये होती है n × n-1/2, अर्थात प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 और ये होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला प्रूफ अपन ये कर लेते हैं। समेशन डिग्री वी बिलोंग टू कैपिटल वी को रिप्रेजेंट करता है, तो डिग्री ऑफ वी बराबर 2 × e होता है। n × n-1 = 2e, तो e की वैल्यू कितनी होगी? n × n-1/2, अर्थात कोणों की संख्या ये कहलाती है। और पूर्ण ग्राफ जो होता है उसमें n-1 पूर्ण ग्राफ के n को n-1 नियमित ग्राफ भी बोलते हैं, नियमित ग्राफ भी बोला जाता है। तो अगर मान लो ये अपन ये डायग्राम को शो करें तो इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है तो ये नियमित ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण ग्राफ का मतलब क्या होगा उसको अगर अपन यहां पर देखें, तो अगर दो कोणों के बीच में केवल एक, दो शीर्षों के बीच में केवल एक कोण जुड़ी हुई है तो ये वर्ड क्या कहलाता है? पूर्ण ग्राफ को शो करता है। अगर दो शीर्षों के मध्य केवल एक कोण जुड़ी हुई है तो ये वर्ड क्या कहलाता है? पूर्ण ग्राफ को शो करता है। और अगर मान लो किसी भी एक शीर्ष के अंदर इसकी कोटि निकाले, तो अगर ये V1 लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है, ये V3 लिखा हुआ है और ये V4 लिखा हुआ है, इनके बीच में कोरों की क्या दे रखा है? V1 से V3 के बीच में एक कोर है, V2 के, और इस तरीके से अगर अपन ये डायग्राम शो करते हैं तो ये वर्ड किस में कन्वर्ट होगा ये मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं। मान लो V1 और V3 लिखा हुआ है, इनमें यहां पर डिग्री यानी डिग्री ऑफ V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? = 3। आप आराम से देख सकते हो कि V1 की डिग्री V1 से कितनी लाइनें पास कर रही है, ये वर्ड कहलाता है डिग्री, यानी कितनी कोरें इसमें से गुजर रही है या आ रही है, ये वर्ड कहलाता है डिग्री। जैसे 1, 2, 3 इसकी डिग्री कहलाएगी। अगर मान लो डिग्री ऑफ V2 की बात करें तो ये वर्ड कितना कहलाता है? आपके 3 में शो करता है। डिग्री ऑफ V3 की बात करें तो भी इसमें 3 है, और डिग्री ऑफ V4 की बात करें तो भी ये कितना 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेगुलर ग्राफ कहलाता है, ये K3 टाइप का रेगुलर ग्राफ होगा, ये नियमित ग्राफ कहलाता है। और पूर्ण ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है? किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक कोर का विद्यमान होना, ये क्या कहलाता है? पूर्ण ग्राफ। इसकी ये थ्योरम है जिसका डेरिवेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है। एन शीर्षों वाले ग्राफ में कोरों की संख्या कितनी होती है? n × n-1/2। अगर अपन फॉर्मूला देखें तो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी बराबर 2 × e के बराबर होगा। अगर इनके डिग्री सभी ऐड कर ले तो ये 2 × e के बराबर होता है। कुल में डिग्री कितनी होती है? n × n-1/2 = 2e है। e की वैल्यू कितनी आएगी? n × n-1/2। अब इनको और समझने के लिए मैं और डीप तरीके से आपको बता देता हूं कि ग्राफ का कैसे किस प्रकार से आप इसमें शो करेंगे। सबसे पहला ग्राफ अगर मान लो ये ले लिया आपने, ये कोई भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये V1 शीर्ष है, V2 शीर्ष है, V3 शीर्ष है और V4 शीर्ष है। अगर मान लो सेकंड नंबर ग्राफ ये ले लिया तो इन पहले दो ग्राफ के बारे में अच्छी तरह समझा देता हूं। V1 है, V2 है और V3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ V1 की वैल्यू बात करें तो ये 2 आएगी। आप अच्छी तरह इसमें मेजर कर लो कि V1 से निकलने वाली और आने वाली लाइनों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। अगला वर्ड ले लेते हैं डिग्री ऑफ V2। डिग्री ऑफ V2 का मान भी 2 है, डिग्री ऑफ V3 इसका मान भी 2 है, और डिग्री ऑफ V4
इसका मान भी दो है, कुल मिलाकर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आठ। पहले आप अच्छी तरह चेक कर लो कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्या। अगर मान लो डिग्री इनकी निकाल दे तो डिग्री ऑफ V1 की वैल्यू कितनी है दो, डिग्री ऑफ V2 की वैल्यू कितनी है दो, डिग्री ऑफ V3 की वैल्यू कितनी है दो और डिग्री ऑफ V4 का मान कितना है दो। ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कोटियों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, निकलने वाली और जाने वाली कोटियों की कुल संख्या कहलाती है। इनका ऐड करोगे तो कितना आएगा आठ। कोरों की संख्या कितनी है एक दो तीन चार, कोरों की संख्या कितनी है ई की वैल्यू है चार, इसके अंदर चार में जब दो का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आठ। यानी थ्योरम बिल्कुल सही है, 2 × E की वैल्यू के बराबर होता है कोई भी ग्राफ का मान निकालना। स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, ये सभी एकदम सही लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ V1 अगर दो है, डिग्री ऑफ V2 अगर दो है, डिग्री ऑफ V3 अगर दो है और डिग्री ऑफ V4 अगर दो है, इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी एक। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये अगर सभी हटा दे तो E की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कोरों की संख्या चार है, चार को जब उससे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आठ। बस यही अपने को चाहिए था फॉर्मूला कि अगर दो से गुणा कर दे तो ये कोरों की कुल संख्या उसके इनटू के बराबर होती है। ये पहला क्वेश्चन इसका डिराइव रहेगा। दूसरा, अगर मान लो ये बनाया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ V1 की वैल्यू लिखी हुई है, डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 2 है, डिग्री ऑफ V2 की वैल्यू कितनी है 2 है और डिग्री ऑफ V3 की वैल्यू कितनी है 2 है। ये सरल ग्राफ को भी शो करता है जिसमें आपके लूप या पास नहीं है, ये दो रेगुलर ग्राफ को शो करता है, ये नियमित ग्राफ को भी शो करता है, पूर्ण ग्राफ कहलाता है ये, नियमित तो रेगुलर की है, ये पूर्ण ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करता है। पूर्ण ग्राफ का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक कोर का विद्यमान होना क्या कहलाता है, पूर्ण ग्राफ। सरल ग्राफ का मतलब क्या होता है, लूप या कोर नहीं, वो पास या नहीं होने चाहिए। इनको ऐड करोगे 6 आएगा, 6 को ब्रेक करोगे तो 2 × 3 आ गया। ये होता है स्मॉल ई, चेक कर लो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, ये वास्तव में इसी को फुलफिल करता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये भी वैल्यू बिल्कुल सही है कि कोरों की कुल संख्या किसके बराबर होती है, 2 × E के बराबर होती है। एक और एग्जांपल उसका ड्रॉ कर लो तो आपके और कंफर्म हो जाएगा। मान लो ये लिखा हुआ है कोई भी ग्राफ, इसमें V1 V2 V3 V4 V5 V6 चार छह है, उनको आपने नाम दे दिया, V1 है V2 है V3 V4 V5 और V6। यहां पर जब शो करेंगे तो V1 की कोटि, डिग्री ऑफ V1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर, डिग्री ऑफ V2 किसके बराबर है 2 के बराबर, डिग्री ऑफ V3 किसके बराबर है 2 के बराबर, डिग्री ऑफ V4 किसके बराबर है 2 के बराबर और डिग्री ऑफ V5 किसके बराबर है 2 के बराबर और डिग्री ऑफ V6 किसके बराबर है 2 के। टोटल नंबर इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 12। आराम से चेक कर लो, किसी भी एक की डिग्री निकालने के लिए अपन उसमें आने वाली और जाने वाली लाइनों को काउंट करते हैं, कुल में 12 हो गई है। अब इसमें कोरों की संख्या लिख लेते हैं, कोरें कुल मिलाकर कितनी है, ये की वैल्यू 6 है, 6 को जब 2 से गुणा करोगे तो यही आपके फॉर्मूला है समेशन ऑफ 2EI। ये क्या कहलाता है, समेशन ऑफ VI इक्वल टू क्या होता है 2 × E के बराबर होता है। डिग्री ऑफ VI पूरा क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाता है डिग्री ऑफ VI इज इक्वल टू 2 × E। ये किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की डेफिनेशन कहलाती है, ये किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की परिभाषा कहलाती है। तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उसके अगला टॉपिक उठाते हैं नेक्स्ट। अगला दिया हुआ है चक्र, इसको बोलते हैं साइकिल। सरल ग्राफ G=V, E चक्र कहलाता है यदि N शीर्ष V1 V2 VN तथा
एन कोर ए वी वन वी टू वी टू वी थ्री इस प्रकार से वी एन कोमा वी वन द्वारा परिभाषित हो तो ये चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, वी वन से वी टू चले, वी टू से वी थ्री, वी एन लास्ट वाला पॉइंट वापस पहले वाले को जुड़ जाना चाहिए। ये वर्ड क्या कहलाता है, चक्र को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो आप डेफिनेशन अच्छी तरह लिख लो, इसको समझ लो क्या दिया हुआ है। वी वन वी टू है, वी टू वी थ्री वी एन वी वन है, इन सबको एड किया तो ये चक्र को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक चक्र को रिप्रेजेंट करता है, साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, चक्र को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा नंबर एग्जांपल ये दे दोगे, तीसरा नंबर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, यानी पूरा बंद होना चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, चक्र कहलाती है। देखिए स्क्रीनशॉट, चक्र को दो नियमित चरण भी बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। चक्र को क्या कहते हैं, इसमें अच्छी तरह नोट कर लो। चक्र को हमेशा क्या कहेंगे, दो नियमित ग्राफ का भी दर्जा दिया जाता है। ये वर्ड क्या कहलाता है, दो नियमित ग्राफ कहलाता है। इट इज कॉल्ड टू रेगुलर ग्राफ। ग्राफ बहुत सिंपल है, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितने क्वेश्चन आप करते जाओगे अपना कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। मेरे हिसाब से अगला या उससे अगला वीडियो इसका दी एंड होना चाहिए, फिर वृक्ष बचेगा। अगली डेफिनेशन है आपकी ध्रुवीय चक्र। ध्रुवीय चक्र को बोलने का तरीका होता है व्हील से, व्हील क्या होता है, चक्का। यहां पर सी एन चक्र सी एन, जहां पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर इस शीर्ष को सी एन के प्रत्येक शीर्ष से कोरो द्वारा जोड़ा जाए तो यह वर्ड क्या कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। ध्रुवीय चक्र में, ध्रुवीय चक्र डब्ल्यू एन में एन प्लस एक शीर्ष व दो एन कोरे होती है। और दूसरा नंबर है ध्रुवीय चक्र डब्ल्यू एन में अतिरिक्त शीर्ष की कोटि एन तथा शेयर्स शीर्षों की कोटि तीन होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ध्रुवीय चक्र का मतलब क्या होता है, जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए में बिल्कुल सेंटर में एक ताड़ी जैसे होती है वैसे होता है, वैसे इसका डायग्राम बनेगा। उसमें पहला नंबर पॉइंट तो ये आपको अच्छी तरह याद करना है और दूसरा नंबर पॉइंट ये अच्छी तरह याद करना है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्रुवीय चक्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी डब्ल्यू एन में एन माइनस एक शीर्ष में दो एन कोरे विद्यमान होती है, और दूसरा ध्रुवीय चक्र डब्ल्यू एन के अंदर दूसरा इसमें किस प्रकार रिप्रेजेंट हो जाएगा, डब्ल्यू एन के अंदर ध्रुवीय चक्र डब्ल्यू एन में एन माइनस एक शीर्ष में दो एन कोरे विद्यमान होती है। ये बात बता रहा है कि अगर चक्र के सेंटर में कोई बिंदु हो तो सभी शीर्षों को कनेक्ट करे तो ये वर्ड क्या कहलाता है, चक्र। एक चक्र होना जरूरी है, उसके अंदर अतिरिक्त शीर्ष लेकर इस शीर्ष को सीएन के प्रत्येक शीर्ष से कोरों द्वारा जोड़ा जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये वाला था, ये सबसे अगर जुड़ा हुआ हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। इज दैट क्लियर, ये सबसे कनेक्ट होना चाहिए, ये वर्ड क्या कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं उनको मैं बता देता हूं। ध्रुवीय चक्र का मतलब ये है, इस त्रिभुज के अंदर अगर आप शो करना चाहो तो ये वर्ड केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दोबारा समझा देता हूं मैं। एक साइकिल का पहिया होता है वो क्या कहलाता है, अल्टीमेटली ध्रुवीय चक्र कहलाता है, जिसमें सेंटर पॉइंट में कोई भी बिंदु विद्यमान होना चाहिए। ये बिंदु क्या करेगा कि सभी से कनेक्ट होना जरूरी है, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ऐसा करके आपके सभी कनेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है ना, नेक्स्ट
अगला पॉइंट आता है पाथ ग्राफ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथ ग्राफ। पाथ ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मान लो कोई भी आपने बनाया हुआ है डायग्राम, कोई भी बनाया हुआ है जो पूर्ण ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, पूर्ण ग्राफ या रेगुलर ग्राफ को रिप्रेजेंट जो करता है, ये दो रेगुलर ग्राफ कहलाता है, ये कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। पूर्ण ग्राफ की संख्या दी जा सकती है, ये सरल ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, ये चक्र द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये सभी तरह के ग्राफ कहलाता है, इसमें पहला नंबर ग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला नंबर क्या, दो रेगुलर ग्राफ का दर्जा दिया जाता है, दूसरा दो पूर्ण ग्राफ का दर्जा दिया जाता है, तीसरा सरल ग्राफ का, चौथा चक्र ग्राफ को बोला जाता है ये। अब इसमें आपको क्या करना है कि मान लो, अब इसमें आपको क्या करना है कि सपोज करो ये आपके डायग्राम जो बनाया हुआ है वो यहीं तक बनाकर रह दो, यानी ये कोर को हटा दे, तो ये जो वर्ड प्राप्त होता है, ये जो डायग्राम प्राप्त होता है, ये जो आपके सिंबल प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है, पाथ ग्राफ की दर्जा दिया जाता है। कोई भी एक कोर को हटा दे, एक कोर को हटाना, ये वर्ड क्या कहलाता है, पाथ ग्राफ को शो करता है। इज दैट क्लियर, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो आप, बहुत सिंपल है ये। अगला पॉइंट बहुत सिंपल आता है, द्विखंडी ग्राफ या द्विभाजन ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विखंडी ग्राफ या द्विभाजन ग्राफ कहलाता है ये। द्विभाजन ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जी बराबर वी कोमा ई में शीर्षों के समुच्चय वी को ऐसे दो असंयुक्त समुच्चयों V1 व V2 में विभाजित करेगी, तो ये क्या कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो द्विखंडी ग्राफ का मतलब ये है कि आपके ये दिया हुआ है, ये V1 है और ये V2 है, यहाँ पर ये चार चीजें लिखी हुई है, तो द्विखंडी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार से अगर जुड़ा हुआ हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वी दो चार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके दो तीन बता रहा हूं मैं, ये V1 2 को भी रिप्रेजेंट करता है, V2 3 को, 2 4 को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दो तो ऊपर दिए हुए और बाकी के नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट मान लो V3 3 को द्विखंडी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, तो ये तीन को यहां लिख दो आप, V1 V2 V3, ये लिख दो V4 V5 और V6, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये आपने जोड़ दिया, ये आपने जोड़ दिया और ये आपने जोड़ दिया, ये वर्ड क्या कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इनके साथ साथ इनकी किताबों में आप बिल्कुल जरूर देख लेंगे, तो ये क्या कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ को व्यक्त करता है। वेरी सिंपल है, द्विखंडी ग्राफ के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपनी किताब में देखकर इसको और दो तीन डायग्राम या दो तीन एग्जांपल्स और बढ़ा लेना, उसके अगला सब ग्राफ दिया हुआ है, उपग्राफ ये अपने आएगा थ्योरम के अंदर बड़े लेवल पर काम में लेंगे, ये कहलाता है उपग्राफ। उपग्राफ का मतलब क्या होता है, एक ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है यदि एच की प्रत्येक कोर जी की कोर है, एच की प्रत्येक कोर जी की कोर हो, तो यह वर्ड क्या कहलाता है, उपग्राफ को शो करता है। उपग्राफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूं कि किसी भी ग्राफ को कन्वर्ट करने का तरीका ये उपग्राफ द्वारा शो किया जाता है। जैसे कि मान लो आपके ये दिया हुआ है, कोई भी ध्रुवीय ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें आपको ग्राफ की संख्या लेनी है, तो ये सभी कनेक्ट है, तो ये ध्रुवीय ग्राफ कहलाता है। अब अपन को किसी ने कहा कि इसको आप रेगुलर ग्राफ में कन्वर्ट करो, तो ये वर्ड है जो इसका कोटि कितनी देर की, 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि 3 है, तो अगर अपन इस प्रकार से कोई ग्राफ को ड्रॉ कर पाए
तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ग्राफ को शो करता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ग्राफ को शो करता है, अपने उसी ग्राफ में से तोड़ा हुआ भाग ये उपग्राफ को बताता है जो दो ग्राफ का निर्माण करे। ये हम आइलर प्रमेय वाले ग्राफ में बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनने जाएगा। यहां तक के सभी वीडियो को मैं एक बार ये अभी तक का मैं लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक काफी ग्राफ हो गए, इनको आप कंप्लीट कर लो। तीन तरह के ग्राफ बचे जिनमें बड़ी थ्योरम बनती है, पहला हैमिल्टोनियन ग्राफ है, दूसरा आइलर ग्राफ है, और तीसरा है सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें आपके क्या है कि कोई भी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को बताया जाएगा। आइलर ग्राफ के अंदर क्या होता है कि कोई भी ग्राफ जिसमें वो अपनी बातों को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता, सपोज करो कि ये मान लो कोई भी ग्राफ शुरू किया हुआ है, अब अपने को लगता है कि ये पाथ अननेसेसरी है, तो इसको काट कर नया ग्राफ बनाया जा सकता है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ये वर्ड क्या कहलाता है, उपग्राफ कहलाता है। तो यहां तक की सभी डेफिनेशंस को आप कंप्लीट कर लो, मैं यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की तीन थ्योरम कंप्लीट करवाकर और मैं ये पूरा फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।